सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा ये काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे CUCET एग्जाम के बारे में, मतलब कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो आप सबके जो 12th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के हैं तो वो 12th के रिजल्ट भी आ चुके हैं और वो एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो उनको डाउट आ रहा होगा कि CUCET का एग्जाम क्या है, ये फेज वन क्या होता है, फेज टू क्या होती है, फेज वन की लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से अटेम्प्ट हम दे सकते हैं, फेज वन में कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, फेज टू में कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, उसके बाद क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं, CUCET देना कंपल्सरी है भी या नहीं। तो ये सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे जो मैं इस वीडियो के एंड तक आपके क्लियर कर दूंगा। आपको पूरा प्रोसेस भी बता दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी फीस है, कैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रिलेटेड या कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड या कॉलेज रिव्यूज से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं मैं अपने वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो CUCET का एग्जाम है वो क्या है। ठीक है, CUCET का जो एग्जाम है उसकी फुल फॉर्म है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो CUCET का एग्जाम है वो क्या रहता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का खुद का एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके थ्रू आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिलती है और साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी मिलती है। कुछ कोर्सेज के लिए जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, जो CUCET का एग्जाम है, वो कंपलसरी है, उसके बिना आपकी डायरेक्ट एडमिशन है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकती। वो कोर्सेज भी आपको बताने वाला हूँ कि कौन से कोर्सेज रहने वाले। ठीक है, जो कोर्सेज में आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का CUCET का एग्जाम देना कंपल, आप यहां पे देख भी सकते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि CUCET इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि यहां पे आपको मैंडेटरी रहता है एडमिशन के लिए। कौन कौन से कोर्सेज के लिए आपको मैंडेटरी रहने वाला है, ये वाले जो कोर्सेज की लिस्ट है, इन कोर्सेज में जो आपको CUCET का एग्जाम देना कंपलसरी है, इसके बिना आपकी यहां पे एडमिशन नहीं होने वाली है। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं, उसमें आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो सकती है आपके 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर, बट उन कोर्सेज में भी ऑप्शनल है। अगर आप CUCET का एग्जाम देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर आपको नहीं देना तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि CUCET का एग्जाम दे, क्योंकि इससे आपको अप टू 100% तक की जो स्कॉलरशिप है किसी भी कोर्स में है जो मिल सकती है। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें CUCET का एग्जाम देना कंपलसरी है, सबसे पहले तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब बी की इंजीनियरिंग का आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे मैकेनिकल है, चाहे सिविल है, इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, सभी इंजीनियरिंग के कोर्सेज में आपको CUCET का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। उसके बाद फार्मा, डीके फार्मा का कोई भी कोर्स रहने वाला है, चाहे वो मास्टर ऑफ फार्मेसी हो, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी हो, ठीक है, फार्मेसी का कोई भी कोर्स रहेगा, सभी फार्मेसीज के कोर्सेज में आपको है जो CUCET का एग्जाम देना कंपलसरी रहने वाला है। उसके बाद इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, जैसे कि BA LLB, BBA LLB, BCOM LLB, इन तीनों कोर्सेज में आपको है जो CUCET का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। उसके बाद MBA के आप किसी भी प्रोग्राम में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो CUCET का जो एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। मास्टर ऑफ लॉ, अगर मास्टर ऑफ लॉ के मतलब लॉ के किसी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं तो CUCET का एग्जाम देना आपको कंपलसरी रहेगा। तो ये सारे कोर्सेज की लिस्ट है जिसमें आपको CUCET का एग्जाम देना कंपलसरी है, जिसके बिना आपकी एडमिशन यहाँ पे नहीं होने वाली। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं उसमें CUCET का एग्जाम आपके लिए कंपलसरी है, बट उन लोगों को भी CUCET का जो एग्जाम है वो देना चाहिए। क्यों देना चाहिए अभी आपको बताता हूं। जो CUCET का एग्जाम है वो दो फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज वन और फेज टू। जो फेज वन है वो अक्टूबर 2023 से चल रहा है और मई के एंड तक, ठीक है, मई एंड 2024 तक है जो आपका फेज वन चलने वाला है। दो फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज वन फेज टू, ठीक है, मई एंड तक आपका 2024 का जो है जो फेज वन चलने वाला है। फेज वन और फेज टू में क्या डिफरेंस है, फेज वन और फेज टू में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, आपका सिलेबस, एग्जाम का टाइम सब कुछ सेम रहने वाला है। सिर्फ जो फेज टू में आप लेट रजिस्टर कर ले, इसलिए आपको है जो सिर्फ 10% की जो स्कॉलरशिप है उसका लॉस होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, जो आपका CUCET का एग्जाम है वो 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे एमसीक्यूज आएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। तो 100 में से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। मिनिमम 30 मार्क्स चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके 100 में से 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते तो आपको मिलती है 100% स्कॉलरशिप, फेज वन में भी, फेज टू में भी। बट फेज अब उसके बाद अगर आपके फेज वन में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपके 100 में से 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप, फेज टू में मिलती है 40% की स्कॉलरशिप, मतलब फेज टू में आपकी जो 10% स्कॉलरशिप है वो लेस हो गई। सिमिलरली अगर आपके 100 में से 70 से 80 के बीच में मार्क्स आते हैं, ठीक है, फेज वन में तो मिलती है 40% स्कॉलरशिप, फेज टू में मिलती है सिर्फ 30% स्कॉलरशिप। तो सिर्फ यही डिफरेंस है जो आपको फेज वन और फेज टू में देखने को मिलेगा। लेकिन जो बच्चे भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, उनको रेकमेंड करूंगा कि वो फेज वन में ही अपना एग्जाम देकर रखे, ताकि आपको जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो मिल सके, कोई भी स्कॉलरशिप का आपको लॉस वगैरह यहाँ पे ना हो। जो CUCET का एग्जाम है उसमें मिनिमम आपको 30 मार्क्स चाहिए, ठीक है, एलिजिबल होने के लिए। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, मिनिमम 30 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। एग्जाम के बारे में आपको फिर से बताया था, जो CUCET का एग्जाम है वो होम बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, घर बैठे बैठे आपको एग्जाम देना है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, घर पे जो बैठ के आपका एग्जाम होगा उसके लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप में आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए, कैमरा से आपको जो टीचर बैठ के देख रहा होगा माइक भी आपका ऑन रहेगा, तो आपको एक खाली कमरा चाहिए, बैकग्राउंड आपका बिल्कुल खाली होना चाहिए, ऐसे जैसे मैं बैठा हूं आपके लैपटॉप पे बैठ के आप जो पूरा एग्जाम है घर बैठे बैठे
देने वाले हैं, ठीक है। 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, 120 मिनट का मतलब आपका एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स करेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब बहुत बच्चों का ये डाउट आता है कि क्या भैया हम फेज 1 में कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, फेज 2 में देख सकते हैं, फेज 1 देना कंपलसरी है, फेज 2। तो देखो यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 है। अभी जो फेज 1 की डेट चल रही है, तो अगर आपने फेज 1 के लिए रजिस्टर कर दिया तो आप फेज 1 में एग्जाम दे दोगे। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप फेज 1 में ही एक बार दोबारा से जो एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। एक फेज में आप 2 बार रजिस्टर कर सकते हो, मतलब आपने फेज 1 में एग्जाम दिया, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपको दोबारा एग्जाम देना है, तो आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो फेज 1 में। उसके बाद अगर आपने जैसे फेज 1 की डेट्स मिस कर दी, ठीक है, आपने फेज 1 की डेट्स मिस कर दी, तो फेज 2 में आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि फेज 1 देना जरूरी है, फेज 2 में डायरेक्टली आपका एग्जाम होगा, क्योंकि वो फेज 2 की डेट चल रही होगी। सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा कि आपको जो स्कॉलरशिप है वो फेज 1 से कम मिलेगी। उसके बाद अगर आप फेज 2 में भी दोबारा 2 अटेम्प्ट देना चाहो, तो फेज 2 में जैसे आपने एग्जाम दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको रीअटेम्प्ट देना, तो आप फेज 2 में भी दोबारा अटेम्प्ट दे सकते हो। उसके बाद जिसने फेज 1 में एग्जाम दे दिया और उसको 10-15 दिन बाद लग रहा है कि हाँ मेरी तैयारी अब ज्यादा अच्छी हो गई है, मैं दोबारा से एग्जाम देना चाहता हूं, तो जैसे वो फेज 1 में उसने एग्जाम दिया था, फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, तो वो फेज 2 में एग्जाम दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप फेज 1 फेज 2 अटेम्प्ट कर सकते हो, दोबारा रीअटेम्प्ट की ऑप्शन भी आपके पास रहती है। ऑफिशियल फीस है जो CUCT एग्जाम की, वो 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद आपकी जो CUCT की फीस है वो रह जाएगी 500 रुपीज। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्टर करना है तो आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट से आगे कर सकते हैं। यहाँ पे अपना स्टूडेंट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, आपने अपनी सिटी और जो भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेनी है, जैसे कि आर्ट्स में लेनी है तो कौन से प्रोग्राम में लेनी है, तो जो भी प्रोग्राम में आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी है वो प्रोग्राम से आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है और पासवर्ड है वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आ जाएगा। ईमेल आईडी के ऊपर आपके आपको लॉगिन करना है, लॉगिन जो आपको CUCT आईडी मिली होगी और पासवर्ड मिला होगा यहां डाल के लॉगिन कर ले। उसके बाद आपको अपने जो CUCT एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको CUCT का एग्जाम है शेड्यूल करना पड़ेगा। CUCT का एग्जाम है जो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी डेट एंड टाइम पे चूज कर सकते हो घर बैठे बैठे, क्योंकि एग्जाम देना है। तो जिस दिन आप CUCT का फॉर्म भर रहे हो उसको नेक्स्ट डे आप अपनी मर्जी से, मतलब उसके नेक्स्ट डे आपको अगले दिन देना है, ठीक है, 3 दिन बाद देना, 4 दिन बाद देना, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम चूज कर सकते हो। उस डेट एंड टाइम से 1 दिन पहले आपको ईमेल आईडी के ऊपर आपका लिंक वगैरह आ जाएगा, जहां पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड आ जाएगा, तो वो सारी डिटेल डाल के अगले दिन आपको टेस्ट दे देना है। टेस्ट देने के, ठीक है, 3 से 4 दिन बाद आपका CUCT का जो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको पता लग जाएगा आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली है। उसके बाद आपको 10 से 15 दिन के बाद अपनी 10 से 15 हजार रुपए जो टोकन फीस भर के अपनी एडमिशन कंफर्म करानी पड़ेगी। तो ये पूरा आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन CUCT एग्जाम के बारे में। फिर भी कोई अगर आपको डाउट है CUCT एग्जाम से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।